आज मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ जो पद मैं लिया हूँ पढ़ने के लिए, वो एक्सोडस चैप्टर 4:1-5, एक्सोडस निर्गमन की किताब 4th chapter. और वर्स 1 से चैप्टर 4:1 से हम लोग पढ़ेंगे. तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीत ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया. नेक्स्ट वर्स, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी. कीप चेंजिंग दैट. उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे. तब ने उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गया गई और मूसा उसके सामने से भागा. तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है. प्रेज द लॉर्ड. आई थिंक दैट्स वर्स 5. तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई. हम प्रार्थना करें. धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू महान है. यीशु के नाम से हम आज यहाँ पर एकत्रित हैं और पवित्र आत्मा पर पूरा भरोसा करते हुए हम करते हैं जो कुछ हमें करना है. और आज हम चाहते हैं पवित्र आत्मा से तू हमें अभिषेक कर दे. जितने लोग उपस्थित हैं, जब सुनेंगे जो कहा जाएगा सुनकर और उसके मुताबिक काम करेंगे और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमेन. जो भाग यहाँ पर देखा गया है ये मूसा के विषय में है और मेरा शीर्षक यह है मूसा के विषय में, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है. यही चीज़ परमेश्वर ने मूसा से पूछा था. लेकिन इसको हम लोग देखें कैसे ये हुआ. हम लोग जानते हैं कि मूसा मिस्र देश में था, वहाँ पर 40 वर्ष तक वो राजमहल में था. आप उसके घटना जानते हो. फेरो जो राजा था चाहता था सब जितना लड़का पैदा होता था इसराइलियों को उनको मार डालने के लिए, लेकिन मूसा के माता पिता उसको बचा लिए. पढ़ोगे chapter 2, chapter 3 में एक्सोडस, तो वहाँ पर आपको पूरा कहानी मिलेगा. मैं उतना समय नहीं लेना चाहता हूँ इस समय. लेकिन उसको उन्होंने एक बास्केट में बनाकर और उसको नदी में छोड़ दिया और जो फेरो जो राजा था उसके पुत्री उसको मिला और उसको अपने महल में ले गया और उसको पूरा जो राजमहल के विषय में सब कुछ सिखाया. एक राजा बनने के लिए उसको शिक्षा दिया. 40 वर्ष तक वो इस जगह पर था. और 40 वर्ष के बाद क्या होता है कि मूसा के दिल में ये इच्छा आया कि जाकर इसराइलियों की तरफ देखे, क्योंकि इसराइली लोग बंदी थे, स्लेव्स थे, नौकर थे. तो वे जब जाकर देखा तो क्या देखता है कि एक मिस्र देश के जो आदमी था वो इसराइली जो उसके परिवार के लोग थे उनको मारता था. और मूसा ने समझा कि परमेश्वर उसको इसीलिए यहाँ पर रखा है कि वो इसराइलियों को बचाए, और उसने उस मिस्री को मार डाला. और ये खबर सब जगह पहुंच गया कि मूसा जो राजकुमार है वो एक मिस्री को मार डाला. जब फेरो को मालूम हुआ तो फेरो चाहता था मूसा को पकड़ने के लिए, लेकिन मूसा भाग गया वहाँ से. 40 वर्ष का था जब वो भाग गया मिस्र देश छोड़कर और जंगली स्थानों में चला गया. यहाँ पर हम लोग जब आते हैं तो मैं ये जल्दी से इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ. इस समय जब ये घटना हुआ, मूसा 80 वर्ष का था, 80 years old, इजिप्ट से भागा हुआ व्यक्ति था. इजिप्ट में जो राजा था वो खोज रहा था मूसा को पकड़ने के लिए, वहाँ से भागा हुआ था. मूसा गया इस जंगली स्थानों में, जेथ्रो
के परिवार से मिला, उसके जत्रों के लड़की से उसका ब्याह हुआ और वो अपने ससुर का भेड़ का देखभाल करता था। याद रखना, 40 वर्ष तक राजमहल में था, राजा बनाने के लिए उसकी तैयारी किया जाता, भाग गया वहाँ पर। अब वो जेथ्रो उसके अपने ससुर का भेड़ के देखभाल करता था। और अगर हम लोग उसके विषय में इस समय जानेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये आदमी परमेश्वर के काम लायक नहीं है, बेकार का है, तो भागा हुआ है, इजिप्ट से भागा हुआ है, 80 वर्ष का है, अपने ससुर का भेड़ चरा रहा है, उसके पास अपना भेड़ भी नहीं था, अपना ससुर का भेड़ चरा रहा था। लेकिन इसी समय क्या होता है कि परमेश्वर मूसा से मिलता है। मूसा पहाड़ों में भेड़ चरा रहा था और अचानक एक बहुत ही आश्चर्य के काम देखा कि एक पेड़ झाड़ी जो था वो जल रहा था, लेकिन झाड़ी जलता नहीं था, उसमें आग लगा हुआ था लेकिन झाड़ी जलता नहीं था। ये बहुत आश्चर्य की बात था। तो मूसा जब आगे बढ़ा देखने के लिए कि क्या बात है, तो वहाँ पर परमेश्वर ने उसे कहा, तुम यहाँ नज़दीक नहीं आओ क्योंकि ये पवित्र स्थान है, और जूता को निकालो। और वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया। इस समय परमेश्वर का पुकार मूसा के पास आता है। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 3 चैप्टर 4 में, तो हम लोग देखें कि मूसा ने इतना बहाना लगाया, जो कुछ वो सोचता बहाना लगाने के लिए कि वो परमेश्वर के वचन के काम नहीं करेगा, उसने किया। उसने कहा, अगर आप उस भाग में पढ़ोगे तो पहला बहाना उसने बनाया कि मैं इस लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। वो कहा कि मैं तो परमेश्वर के नाम तक नहीं जानता हूँ, कौन है परमेश्वर। उसने कहा कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा उनको बताने के लिए कि परमेश्वर मुझे भेजा है, वे लोग मुझे विश्वास नहीं करेंगे, ये सब बहाना उसने लगाया। फिर उसने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं तुतलाता हूँ और इसलिए मैं राजा के सामने बात नहीं कर पाऊँगा। और फिर वो बहाना लगाता है कि मुझे नहीं भेजो, कोई और को भेजो। मैं चाहता हूँ कि आप इन बहाना के विषय में सोचो, हो सकता है कि आपके जीवन में भी परमेश्वर का पुकार आया है कुछ करने के लिए और आप कुछ ना कुछ बहाना लगाए। देखो कौन कौन बहाना था। पहला उसने कहा कि मैं उस लायक नहीं हूँ। दूसरा चीज उसने कहा कि मैं परमेश्वर के नाम तक नहीं जानता, मेरा रिश्ता उसके साथ में कुछ नहीं है। तीसरा चीज उसने कहा कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा वे लोग मुझे विश्वास नहीं करेंगे। चौथा चीज उसने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो बहाना लगाता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम किसी और को भेज दो। ये बातचीत परमेश्वर और मूसा के बीच में हो रहा था। ये सब बहाना जब मूसा लगा रहा था, उसके बीच में जो जो चीज परमेश्वर ने उसे कहा, लेकिन फिर भी ये सब बहाना लगा के बाद पर मूसा ने उस काम को किया जो परमेश्वर उसको चाहता था करने के। लेकिन ये सब बातचीत के बीच में परमेश्वर ने मूसा से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, बहुत साधारण सवाल। जानते हो परमेश्वर मूसा के बीच में बातचीत हो रहा है, मूसा बहाना लगाता है, परमेश्वर कहता है तुम जाओ इजिप्ट में मिस्र देश के जो हमारे इजरायली लोग उनको छुटकारा दो, तुम निकालोगे। वो कहता मैं नहीं जा सकता हूँ। वो सब चीज़ के बीच में, ये बातचीत के बीच में परमेश्वर से एक सवाल पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा एक लाठी है। मूसा के हाथ में ये लाठी रहा, ये चरवाहा के लाठी, शेपर्ड स्टाफ। मूसा के हाथ में सिर्फ वही था, ये सूखा मरा लकड़ी, कुछ नहीं था उसमें। उसके लिए इतना ही था कि ये जो लाठी मेरे पास है जिससे मैं भेड़ का देखभाल करता हूँ, वो सूखा मरा हुआ बेकार का चीज़ है, यही है मेरे पास। मूसा के हाथ में वो मरा हुआ चीज़ था, कोई चीज़ उसमें नहीं था, ताकत कुछ ताकत उसमें नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जब उस लाठी को देखा, उसने बहुत उससे भी ज़्यादा कुछ देखा। मैं चाहता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से देखें, जैसे परमेश्वर ने के हाथों में
जब मूसा ने इस लाठी को दिया तो बहुत कुछ हुआ. जो कुछ उसके हाथ में था जब उसने परमेश्वर के हाथ में दिया तो बहुत कुछ ही. हम थोड़ी देर के लिए हम लोग गए इसके विषय में बातचीत करेंगे. मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कुछ बताने के लिए जो हमसे लागू होता है, आपसे लागू होता है. मूसा ने कहा यह तो सिर्फ एक लाठी है. ये जो चरवाहा का डंडा था, सब चरवाहा लोगों के पास एक लाठी रहता था, करीब 2 मीटर 6 फुट ऐसे कुछ लंबा रहता था. और उसको चरवाहा लोग कई तरह से उसको काम में लाते थे, भेड़ों को मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही मूर्ख है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता. तो चरवाहा के पास ये लाठी रहता था, इस लाठी से उसको सहारा देता था किस मार्ग में जाने के लिए. ये लाठी था जिसके द्वारा वो भेड़ों को बचाता था. अगर जानवर लोग उसके ऊपर हमला करे तो ये लाठी को काम में लाया जाता है. ये लाठी चरवाहा काम में लाता था भेड़ों को सहारा देने के लिए. अगर वो खतरा में है, गिर जाए, गड्ढा में गिर जाए या गिरने वाला रहे, तो उस लाठी के द्वारा चरवाहा उनको बचाता था. भेड़ का झुंड जो था, जब उसमें शेर या भालू उनके ऊपर हमला करता था तो ये लाठी से वो हमला करता था और अपने भेड़ को बचाता था. मूसा के लिए लाठी जो था सब कुछ था. उसके लिए ये लाठी बहुत जरूरी चीज था. वो बिना लाठी के वो कहीं नहीं जाता था. जब जब वो जाता था भेड़ चराने के लिए, ये लाठी उसके साथ में था. रोज बरोज उसके जीवन इस लाठी के द्वारा वो करता था, जो कुछ करता था. ये लाठी हमें दिखाता है कि मूसा एक चरवाहा रहा. इससे पहले जब वो महल में था तो राजकुमार था, लेकिन यहां पर जंगली स्थानों में एक चरवाहा था. ये लाठी जो था मूसा के लिए सब कुछ था. जो कुछ मूसा के पास था, जो शारीरिक सुख संबंधी चीज, ये लाठी रहा और कुछ नहीं. मूसा के पास अपना भेड़ भी नहीं रहा, भेड़ के झुंड भी नहीं था. वो तो अपना ससुर के भेड़ देख बात करता था. मूसा के पास सिर्फ एक चीज था और वो था वो लाठी. और ये लाठी उसके जीवन चलाने के लिए सब कुछ था. ये लाठी जो था मूसा के विषय बताता था कि मूसा तुम कुछ नहीं हो, एक चरवाहा हो, दूसरे के भेड़ को तुम देखभाल करते हो. ये लाठी के से सीख सकते हैं हम लोग. मूसा तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये लाठी है और तुम दूसरे का भेड़ देखभाल करते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं. हो सकता है कि हम लोग आज यहां पर एकत्रित हैं, मूसा की तरह हम भी लोग कुछ ऐसे चीजों को अपना कर रखे हैं, संभाल कर रखे हैं, मेरा है, जिससे हम लोग, जिसके चारों तरफ हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं. कुछ कुछ चीज अच्छा है, कुछ कुछ शायद बुरा हो सकता है. यहां पर मैं कुछ बताना चाहता हूं जो शायद हो सकता है हम लोग मूसा के लाठी की तरह अपना कर रखे, मरा हुआ लाठी. हो सकता है हमारा अतीत यानी पास्ट, क्या हमने किया पहले जीवन में, और हम लोग उसके विषय में सोचते हैं, निराश हो जाते हैं. कोई पाप के काम जो हमने किया, शायद उसको हम याद करते रहते हैं, हमें निराश करते रहता है. कुछ कुछ लोगों के दिल में है कुछ कड़वा विचार उनके विषय में, जो उनके जीवन में कोई बाधा लाया, कुछ कर दिया तुम्हारे जीवन में पहले के टाइम, और तुम उसके विरोध में कड़वा हो, बहुत ही कड़वा. तुम उसके देखते हो तो दांत गिड़गिड़ा लेते हो, अभी तक है. कुछ कुछ लोगों के दिल में क्षमा नहीं, तुम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो. तुम जानते हो तुमने गलती किया या तुम्हारे विरोध में कोई गलती किया, लेकिन तुम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो. ये भी एक लाठी की तरह तुम टांग कर घूमते हो. कुछ कुछ लोग, कुछ दुख है तुम्हारे जीवन में, कोई शायद बहुत प्रियजन अचानक मृत्यु का सामना किया या कोई और समस्या हो गया और तुम दुख में हो. हो सकता है कि तुम सोचते हो कि मैं उस लायक नहीं हूं, जो काम मुझे दिया जाता है, बताया जाता है, उसके लायक मैं नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं. कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि
मेरा गुण जो है जो टैलेंट्स जो है जो गुण है वो सब बेकार है. कुछ कुछ लोग भरोसा करते हैं जो अपने आप जो तुम कर सकते हो, इंग्लिश में इसको कहेंगे नेचुरल एबिलिटीज, कि तुम्हारे में वो गुण है, तुम पैदा हुए उसके और तुम कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए बहुत खास चीज है. कुछ लोगों का ये होगा कि मैंने क्या पहले कुछ कर दिया जो अकम्प्लिशमेंट, ओ हम ये काम किया था 10 साल पहले, मैं ऐसे किया था 5 साल पहले, मैं ये किया था और वो हम लोग टांग कर घूमते हैं अभी तक. अभी शायद कुछ भी नहीं करता, अभी वो मरा लकड़ी की तरह है लाठी, लेकिन 10 साल पहले 5 साल पहले मैंने ऐसे किया था. हो सकता है कि ये हो, मैं नहीं जानता हूं. ये सब चीज अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये सब चीज हमें दिखाता है कि हम किस तरह का व्यक्ति हैं. हम इसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम इस पर इसको बांध के रखे रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसके बिना हमारा चलेगा नहीं. जैसे एक चरवाहा अपने लाठी पर भरोसा रखता है, जो कुछ उसको करना है लाठी के द्वारा करता है. हम लोग भी ऐसे ऐसे आदतों से या विचार से बंधे रहते हैं. परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया. परमेश्वर मूसा को लेकर हमें एक शिक्षा देगा कि हम लोग जो चीज अपने हाथों में अपने जीवन में बांध कर रखे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये सब चीज मुझे बांध ले. मैं उसको अपनाता हूं, उसके मुताबिक काम करता हूं, लेकिन उसके नीचे मुझे दबना नहीं चाहिए. मूसा के विषय में अगर हम देखेंगे, हो सकता है जब परमेश्वर ने मूसा से यह सवाल पूछा कि तुम्हारे हाथों में क्या है, ये सवाल शायद मूसा के दिमाग में घूमा और वो सोचने लगा. मैं नहीं जानता हूं, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि वो सोचने लगा. 40 वर्ष तक मैं राज में था, वो फैरो के साथ में राज कर रहा था और वो जो राजा का डंडा है, राजा का लाठी है सेप्टा, उसको मैं लेकर घूमता था और आज यहां पर मैं ये लाठी लेकर जाता हूं. ये उसको याद होगा कि उसको सब तरह का शिक्षा मिलता था कि वो इजिप्ट देश का राजा बनेगा, फेरो बनेगा. उसको शायद याद आया होगा कि उस दिनों में सारे दुनिया उसके हाथों में था, मूसा के हाथों में था. फेरो का इतना ताकत था उस समय और इसीलिए उसको सिखाया जाता. लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं, एक सूखा हुआ मरा लाठी उसके हाथ में है, कोई काम लायक नहीं. परमेश्वर को मालूम था कि उसके हाथ में क्या है, ये नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था, इसलिए उसने पूछा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है. परमेश्वर उससे ये नहीं जानना चाहता था कि तुम्हारे हाथों में क्या है, वो जानता था उसके हाथों में क्या है, लेकिन वो चाहता था कि मूसा अंगीकार करे, कबूल करे कि उसके हाथ में एक मरा हुआ सूखा लाठी है, बेकार का है. मूसा को अंगीकार करना पड़ा, ही हैड टू मेक अ कन्फेशन. हमें याद करना चाहिए कि हमारे जीवन में सिर्फ यीशु मसीह को चाहिए प्रभुता करने के लिए, और कोई चीज नहीं. चाहे कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में है, उसको मौका नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हारे जीवन में आकर प्रभुता ही करे. सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर. तो सवाल ये हमारे पास आता है, क्या है तुम्हारे हाथ में, कौन ऐसा चीज है तुम्हारे जीवन में जिसको तुम अपना कर रखे हो, तुम छोड़ना चाहता हो. कोई एक आदत है, कोई एक ऐसा पुरानी बात है, कोई गुस्सा वाला बात है, कोई घृणा करने वाला बात है, कोई पाप के काम है जो तुम अपना कर रखे हो, छोड़ना नहीं चाहते हो. कोई तरह का विचार तुम्हारे, कोई धंधा है, किसी के विरोध में तुम कुछ काम करना चाहते हो, या कोई एक काम तुम करते हो, तुम जानते हो सही काम नहीं है, गलत काम है, लेकिन तुम करते रहते हो क्योंकि वहां से तुम्हें आमदनी मिलता है या कोई फायदा होता है. कौन चीज है? अगर कोई चीज अलावा
तुम्हें मसीह का चाल चलन जो है lifestyle, Christian lifestyle, अगर वो नहीं है तो सब कुछ बेकार है. हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए जो दुनिया के लोग देख सके, और वो है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र. प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और कुछ नहीं. जो कुछ भी है उसको हमें निकाल कर फेंक देना होगा, क्योंकि वो सब मरा हुआ लाठी की तरह है, हमारे जीवन में सिर्फ बाधा लाएगा और कुछ नहीं, बाधा ही बाधा लाएगा. लेकिन हाँ, जब हम यीशु मसीह के हैं तो हमारे जीवन में यीशु का चरित्र, उसके भावनाएं हमारे में से दिखाना चाहिए. जब दुनिया के लोग देखे क्या है तुम्हारे हाथों में. कुछ कुछ जानते हो ऐसे लोग हैं, वे लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं. आते परमेश्वर के करीब कलीसिया में आते आराधना करने के लिए, लेकिन आराधना अपने पूरे दिल से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिल में कड़वापन है. किसी के विरोध में, किसी ने उसके विरोध में कुछ काम कर दिया तो कड़वापन है उसको देखकर, जैसे मैंने बताया दांत पीस लेते हैं. किसी ने तुम्हारे विरोध में कुछ किया और वो अभी तक तुम्हारे अंदर में है, और जब तुम आराधना करना आते हो तो वही याद आ जाता. तुम आराधना नहीं कर सकते हो क्योंकि बुरा विचार है तुम्हारे में. कुछ कुछ लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ चर्च में होता है उस तरह से नहीं होता जैसे वे लोग चाहते हैं. जानते हो कुछ कुछ लोग हैं, अगर मैं चाहता हूं ऐसे होने के लिए और उस तरह से अगर नहीं होगा तो वे लोग पैसे में सेवा नहीं करेंगे. मेरा इच्छा पूरा होना चाहिए, और इस कारण से परमेश्वर में कोई सेवकाई के काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका इच्छा पूरा नहीं होगा. कुछ कुछ लोग परमेश्वर के सेवा में नहीं भाग ले पाते हैं क्योंकि कोई पाप है उनमें, छिपा हुआ पाप है. इसको हम लोग निकालना नहीं चाहते, क्षमा नहीं चाहते. कुछ कुछ लोग बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिशनेस. मेरे लिए जो कुछ होना चाहिए मैं चाहता हूं, मेरे लिए स्वार्थी हम लोग हो जाते हैं. कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जो कुछ मैं करता हूं मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये काम जो है सिर्फ मैं करूंगा, अगर मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता. ये विचार सब बहुत ठीक नहीं है. उनमें घमंड छा जाता है और अपने काम को पूरा नहीं कर पाते. ये सब विचार अगर हमारे हृदय में रहेगा, अगर इसको हम लोग बांध कर रखेंगे तो मरा हुआ लाठी की तरह कुछ काम में नहीं आएगा. परमेश्वर पूछता है क्या है तुम्हारे हाथ में, कौन चीज को तुम टांग कर घूमते हो, कौन चीज तुम लेकर घूमते हो. लेकिन सुंदर बात यह है, जब मूसा ने उस लाठी को परमेश्वर के हाथ में दे दिया तो वो एक जीवता ताकतवर चीज हो गया. परमेश्वर के हाथ में वो ये हो गया कि परमेश्वर के सामर्थ हो गया, वो लाठी परमेश्वर के सामर्थ हो गया. इसराइल के दुश्मनों को हरा दिया उस लाठी के द्वारा. उस लाठी के द्वारा परमेश्वर के महिमा हुआ. कब हुआ? जब उसने इस लाठी को परमेश्वर के हाथों में दिया. सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मूसा लाठी को नहीं देता, जब परमेश्वर ने उसे कहा मूसा तुम्हारे हाथों में क्या है, लाठी है फेंको, और वो सांप बन गया. लेकिन अगर मूसा कहता कि नहीं नहीं ये मेरा लाठी है, मेरा जीवन इससे चलता है, मैं भेड़ों को देखभाल करता हूं, मेरा आमदनी इसके द्वारा, ये लाठी के द्वारा है, मैं नहीं देने के लिए तैयार हूं, पूरा इसराइल के इतिहास शायद बदल जाता, नहीं रहता जैसे आज. लेकिन उसने परमेश्वर के हाथों में दे दिया. परमेश्वर ने ये लाठी, ये मरा हुआ लाठी कुछ काम लायक नहीं, साधारण रूप से बेकार का था, और उस मरा हुआ लाठी, सूखा हुआ लाठी, कोई काम लायक नहीं, उससे परमेश्वर महान महान कार्य क्यों किया. क्यों? क्योंकि मूसा ने उसको परमेश्वर के हाथों में दिया. अच्छा सबक यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस लाठी के द्वारा जितना ओझा लोग थे इजिप्ट में,
सबके सामना किया, सबको हरा दिया उस लाठी के द्वारा। इज़राइल में, इजिप्ट में जो नदी था जिसमें से वे पानी पी रहे थे, उसको खून कर बना दिया, काम में नहीं ला पाए। उसी लाठी के द्वारा जब फेरो जिद बांध लिया कि मैं इसराइलियों को नहीं छोड़ूंगा, उस लाठी के द्वारा उस देश में मेढक के ऊपर मेढक आ गया, राजा फेरो के घर में मेढक उस लाठी के द्वारा। उस लाठी के द्वारा मिस्र देश में जुआ, लाइस, जुआ का बड़ा जोर तोर से गया, बहुत ज्यादा हो गया सभी लोगों के ऊपर। वही लाठी, वही लाठी के द्वारा मिस्र देश में आंधी और तूफान आया, वही लाठी। उसी लाठी के द्वारा जब मूसा ने उस लाठी को उठाया परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक, तो हवा चला और टिड्डियों से भर गया मिस्र देश में, सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। जब उनको मिस्र देश से छुटकारा मिला और वे लोग आए एक स्थान पर जहां पर उनके लिए कुछ भी नहीं था, बहुत खतरनाक था, पीछे से फैरो अपना रथ लेकर हजारों को लेकर इसराइलियों के पीछे पड़ा, एक तरफ रेगिस्तान डेजर्ट, एक तरफ पहाड़, आगे लाल समुद्र, इनको भागने की जगह नहीं। और इसराइली लोग बुड़बुड़ाने लगे, कहे क्यों हम लोगों को लाया यहाँ पर मारने के लिए, हम लोग भाग नहीं सकते, कहीं अपने आप को बचा नहीं सकते, ये पहाड़ में कौन चढ़ के जाएगा, ये जंगल डेजर्ट में जाएगा तो फेरो हमारे पीछे हो लेगा, फेरो हमारे पीछे से आता हमें मारने के लिए, आगे समुद्र है, क्या करेंगे हम। परमेश्वर ने मूसा से कहा वही लाठी ले लो, वही लाठी जो तुमने मुझे दिया, वो मरा हुआ सूखा लाठी, जाओ वहां पर पहाड़ में खड़ा होकर और लाल समुद्र की तरफ दिखाओ। और जब उसने जाकर लाल समुद्र की तरफ दिखाया, उसी लाठी के द्वारा लाल समुद्र दो भाग में हो गया, बादल आया उनके बीच में, मिस्र देश के जो मिस्री लोग थे उनके लिए अंधकार, यहूदियों के लिए ज्योति, लाल समुद्र में मार्ग खुल गया और वे लोग आराम से निकलकर उस पार चले गए। और जब फेरो ने निर्णय किया कि चलो हम लोग भी चले उनके पीछे, वे लोग आए, आधा दूर तक आए, परमेश्वर ने मूसा से कहा फिर से अपना लाठी उठाओ समुद्र की तरफ, और उसने लाठी को उठाया, वही लाठी, याद रखना सूखा हुआ मरा लाठी, जब उसने उठाया लाल समुद्र एक हो गया। बाइबल बताता है मिस्र देश का एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सब मर गए, वही लाठी। जब वे लोग रेगिस्तान में चलकर जा रहे थे, जब उनको पानी की जरूरत पड़ा, वही लाठी से परमेश्वर ने कहा चट्टान में मारो, और जब उसने लाठी को दिखाया वहां से पानी आने लगा पीने के लिए। अमलेकाइट्स जब उनके ऊपर हमला किया, वही लाठी उठाया गया और अमलेकाइट्स हार गए। प्रिय लोग, क्या मैं यहां बताता हूं, एक लाठी जो बेकार का सूखा हुआ लाठी मूसा के हाथ में कुछ नहीं करने पाना, लेकिन जब उसने इस लाठी को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, ये सब आश्चर्यकर्म के काम हुआ। आज क्या चीज है हमारे पास, परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछ रहा है, क्या है तुम्हारे हाथों में, कौन ऐसा चीज है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें दबा कर रखा है, मरा हुआ कर दिया है। परमेश्वर कहता है मुझे दे दो। और परमेश्वर आश्चर्यकर्म करेगा। पहला आश्चर्यकर्म जो मूसा के हाथों से हुआ इस लाठी के द्वारा, जब उसने कहा ये लाठी है, तो परमेश्वर ने कहा कि इस लाठी को जमीन में फेंको, और उसने जब लाठी को फेंका वो सांप हो गया, तो पढ़े वहां पर सांप हो गया और मूसा भागा, प्रॉब्ली कोबरा। तो परमेश्वर से कहता है जाओ उसको पूंछ से पकड़ो, कभी सांप के पूंछ से नहीं पकड़ना, कभी नहीं पकड़ा जाए सांप के पूंछ से। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा पूंछ से पकड़ो, और उसने पूंछ से पकड़ा और तुरंत वो फिर लाठी हो गया। परमेश्वर का आश्चर्यकर्म, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो मरा हुआ सूखा लाठी परमेश्वर के हाथों में जब दिया गया तो आश्चर्यकर्म होने लगा। ये कमजोर
बेकार का, जिसमें ताकत कुछ भी नहीं था, मरा हुआ सूखा लाठी को परमेश्वर ने मूसा के हाथों में काम मिला। एक ही कारण था, क्योंकि मूसा ने उस लाठी को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। अगर वो अपना ही रहता, मेरा लाठी है, कोई नहीं इसको लेगा मुझसे, मेरा जीवन रोटी इससे चलता है, घर की कार्रवाई सब कुछ इसी लाठी से चलता है, मैं अपने भेड़ों को संभालता हूँ इसी लाठी से, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो कहानी और कुछ होता आज। लेकिन मूसा ने परमेश्वर के हाथों में दिया, और यही चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। क्या है आपके जीवन में, कौन सा ऐसा चीज है जो तुम अपना कर रखे हो, कोई बुरे आदत, कोई बुरा विचार, जैसे मैंने शुरू में बताया, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं क्या है, कोई आदत, कोई घमंड, किसी के विरोध में कोई विचार है, कोई चीज तुम कर सकते हो, तुम्हें परमेश्वर कहता है करो और तुम नहीं करते हो, अपना कर रखे हो, नहीं ये मेरा गुण मेरा है, मैं इसको अपने काम में लाऊंगा और किसी के लिए नहीं है, स्वार्थी बन जाते हो, कुछ नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के हाथों में भारी भारी आश्चर्य कर्म होगा, क्योंकि परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर के हाथों में दिया। अगर मूसा के हाथों में वो रहता तो सिर्फ एक लाठी रहता, कोई ताकत नहीं रहता उसमें, परमेश्वर की ताकत नहीं रहता, परंतु जब उसने परमेश्वर के हाथों में दिया तो वो मरा हुआ लाठी एक ताकतवर वस्तु हो गया, उसके ताकत से मूसा बच गया। मैं नहीं जानता हूं क्या क्या आप हाथों में रखा है आज, क्या ऐसा चीज है जो तुम्हारे जीवन में है, हो सकता है तुम्हारे जीवन में बाधा लाता है, सोचो थोड़ी देर के लिए, कोई भी चीज हो, क्या तुमने अपने आप को परिपूर्ण रूप से सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया और कहा लो परमेश्वर ये मेरा गुण है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ले लो। कुछ ऐसी चीज है, मैंने किसी को क्षमा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आज मैं क्षमा करने के लिए तैयार है। कोई ऐसे बुरे विचार मुझ में है जो मैं बांध कर रखा हूं, जिसके द्वारा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, क्योंकि हमेशा वो बुरा विचार आता है, कोई पाप के काम जिससे मैंने अभी तक क्षमा नहीं मांगा परमेश्वर से, और उसमें हम सोचते रहते हैं उसके विषय में, जब जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो पाप याद आता है, परमेश्वर कहता है मेरे हाथों में दे दो, मुझे दे दो, वो क्षमा करने के लिए था। हो सकता है जो कुछ तुम अपने हाथों में लिए हो तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हें बाधा लाता है, तुम्हें रोक कर रखता है परमेश्वर के काम तुम नहीं कर सकते हो, जो कुछ तुम्हें तुम कर सकते हो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई एक ऐसा चीज है जो तुम्हें रुकावट लाता है तुम्हारे जीवन में। और ये रुकावट सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे परिवार में, चर्च में, जो कुछ तुम करोगे सब चीज में ये बाधा लाता है, क्योंकि तुम देने के लिए तैयार नहीं हो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। एक पाप जिसको तुम अपना कर रखे हो, जिसको तुम देते नहीं हो, क्षमा के लिए नहीं तैयार हो, मांगने के लिए, वो तुम्हारे हाथों में एक मरा हुआ लकड़ी के समान है, लाठी के समान है। और जब तुम अंगीकार करके, कॉन्फेस करके पश्चाताप करोगे उसी पाप के लिए, तो परमेश्वर उसको लेकर क्षमा तुम्हें देगा और तुम्हारी जिंदगी को पूरा बदल देगा, तुम नए रूप से परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। कोई कड़वापन तुम्हारे पास है, क्योंकि पहले दिनों में किसी ने तुम्हारे विरोध में कुछ किया है और वो कड़वापन तुम्हारे में है, तुम छोड़ नहीं सकते उसको, लेकिन उसको जब हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, वो क्षमा करने के लिए तैयार है, तुम्हें छुटकारा देने के लिए तैयार है, उस बंधन से, बॉन्डेज से तुम्हें छुटकारा देने के लिए तैयार है, अगर तुम अपने आप को उसके हाथों में देगे, और तुम्हारा आशीष, जो खोए हुए आशीष को वो फिर से एक कर देगा। कभी कभी हमारे में गलत विचार रहता है जो हमें, हम कोशिश करते हैं किसी को देखने के लिए, जब हम चाहे चर्च में हो या बाहर हो कहीं पर भी, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे में बुरा विचार आ जाता है,
उनको जब हम देखते हैं बहुत ऐसा रहता है कि किसी को तुम देखते हो और बुरा विचार आ जाता है कि ओ ऐसे रहे वैसे है ये है वो है, और ये भी हमारे में एक लाठी के समान हम लोग बांध कर घूमते रहते हैं और हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे तो वो हमारा विचार औरों के बदले में बदल देगा। जब परमेश्वर से तुम कहोगे परमेश्वर फलाना व्यक्ति के उस व्यक्ति के विरोध में जब मैं देखता हूँ तो मुझे बुरा बात आता है, कुछ बड़ा मेरे की बुराई मेरे विरोध में किया, और जब तुम कहोगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो वो क्षमा करेगा, और जब दूसरी बार तुम उसी व्यक्ति को देखोगे तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे मेरा भाई है मेरा बहन है क्योंकि तुमने क्षमा मांगा। कभी कभी दुख आ जाता हमारे जीवन में किसी एक कारण, कोई प्रियजन मर गया, कुछ चीज तुम खो दिए हो और तुम्हारे में शोक रहता है दुख रहता है और तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते, तुम छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि तुम बहुत ऐसा चीज तुम्हारे में तुम खो दिए हो और वो तुम उसको बांध कर घूमते रहते हो, उसके कारण तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि जब जब तुम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें याद आता है अरे इतना सोच के बाद इन परमेश्वर कहता है उसको तुम मेरे हाथ में दे दो। जब हम उसके हाथों में दे देंगे तो वह हमें छुटकारा देगा उसे। कभी कभी हमारे में घमंड रहता है, ओ पहले मैंने ये किया वो किया, 5 साल पहले 10 साल पहले मैंने ये किया वो बनाया यहां पर गया वो किया, वो एक घमंड की तरह हमारे जीवन में आते रहता है। हम लोग बातचीत करते रहते हैं ऐसे किया वैसे किया, हम बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ये एक लाठी की तरह है सूखा हुआ मरा लाठी हम टांग के धोते हैं। सोचो थोड़ी देर अभी तुम क्या कर रहे हो। उस लाठी को परमेश्वर के हाथों, परमेश्वर कहता है क्या है तुम्हारे हाथ में। जब हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए और भारी भारी काम करने के लिए तैयार है, उससे भी भारी जो तुमने किया। क्या है तुम्हारे हाथ में, सोचो थोड़ी देर के लिए क्या है। कौन ऐसा बोझ लेकर तुम घूम रहे हो आज, कौन ऐसा चीज है जब हम आप देखते हैं तो हमें दिखाता है कि ओ ये व्यक्ति इस तरह का है, क्षमा नहीं कर सकता, बुरा बात करता, बुरा जीवन बिताता। क्या है जो तुम जिसमें तुम जकड़े हुए हो, जो तुम्हें पीछे करते रहता है आगे बढ़ने के बदले, जिसमें से परमेश्वर ने तुम्हें बचा कर लाया है, जो बुरे आदतों से बचा कर लाया, पाप के काम में से बचा कर लाया, उसमें तुम सने हो वहीं पर हो आगे नहीं बढ़ सकते हो, कौन ऐसा चीज है। पाप हमें गिराते रहता नीचे और हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। कोई एक घटना जो हमारे जीवन में हुआ, शायद हमें चोट लगा, हृदय में चोट लगा और इसके विषय में हम सोचते रहते हैं, दुख करते हैं, दुख में रहते हैं, कड़वापन पैदा हो जाता है और ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता, सूखा लकड़ी के समान। सोचो तो इधर के क्या कोई एक ऐसा चीज तुम्हारे जीवन में है, तुम सोचते हो उसके द्वारा कि तुम कर चुके हो, पूरा हो गया सब कुछ, कुछ ऐसा गुण तुम्हारे में है या जो कुछ तुम कर सकते हो तुम सकते हो, उसके द्वारा तुम्हारे में घमंड आ जाता है क्योंकि मेरे में ये गुण है मैं ये कर सकता हूं, मेरे बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई एक ऐसा चीज है जो तुम्हें रोक कर रखता है, सोचो थोड़ी देर के लिए कौन ऐसा चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, मसीह में आगे बढ़ने से, आत्मिक उन्नति प्राप्त करने से तुम्हें रोकता है, कौन ऐसा चीज है। कोई एक ऐसा चीज भी हो हमें सोचने की बात है। जो कुछ भी है परमेश्वर चाहता है कि तुम उसको लेकर आओ, उसके सामने गिरा दो, दे दो उसको, कहो हे परमेश्वर ये सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं कि मैं छुटकारा पा जाऊं। मूसा वो छड़ी वो लकड़ी जो था लाठी उसमें कोई ताकत नहीं रहा,
सूखा लाठी, लेकिन मूसा के लिए वो सब कुछ था। और अगर मूसा कहता कि नहीं, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इसके छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, तो जिसे मैं बताया इसराइल का इतिहास शायद और कुछ रहता आज। लेकिन वो देने के लिए तैयार था, भले उसने बहुत बहाना लगाया, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, ये है वो है, सब तरह का बहाना उसने लगाया। क्यों वो नहीं जा सकता? लेकिन एक चीज में वो नहीं रुका। जब परमेश्वर ने उसे कहा हाथ में क्या है, उसने कहा ये सूखा हुआ लाठी, इसमें कोई ताकत नहीं परमेश्वर, ये तो बेकार की चीज है, इसको मैं काम में लाता हूं। लाठी बेकार का, जब मैं उसको काम में लाता हूं तब वो कुछ काम करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा उस लाठी को फेंको जमीन पर। सोचो अगर मूसा कहता नहीं नहीं ये मेरा लाठी है, इसको नहीं फेंकूंगा, तो सब कुछ गड़बड़ी हो जाता। लेकिन उसने देने के लिए तैयार हो गया वहां पर। ऑलराइट, मैं तो और कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये लाठी तुम चाहते हो तो लो लाठी, दे दिया। और तुरंत वो परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के ताकत से भरा हुआ एक हथियार हो गया मूसा के हाथ में। और जिसे मैंने बताया ये सब काम हुआ उसके द्वारा। आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर चाहता है आपको परिपूर्ण रूप से काम मिलाने के लिए। वो तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ करना चाहता। सोचो थोड़ी देर के, कौन ऐसा चीज है जिसको तुम रोक कर रखे हो? तुम्हारे गुण, तुम्हारे घमंड, तुम्हारे पाप, तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारे परिवार, कोई भी चीज है, क्या वो तुम्हें बांध कर रखता है, पीछे रखता है? आज परमेश्वर कहता है उसके हाथों में दे दो।